दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दी चोणां दे पखे अखाड़े विच अज मौजूदा प्रधान मनजीत सिंह जीके मीडिया दे मुखातब होए ते सरना धड़े वल्लों लाए गए इल्जामां दा जवाब दित्ता। जीके ने कहा कि उन्हां कदे भी डेरा सिरसा दी हिमायत नहीं कीती, बल्कि वह हमेशा डेरा सिरसा दे खिलाफ झंडा बुलंद करदे रहे ने। दिल्ली च उन्हां डेरा मुखी दी फिल्म लगन नहीं दित्ती। इस दे नाल ही उन्हां उस चिट्ठी दा भी जिक्र कीता जिस च परमजीत सिंह सरना डेरा मुखी दा मुआफ़ीनामा लैके श्री अकाल तख्त साहब गए सन। उन्होंने सरना तो सवाल पूछा कि सरना दे डेरा मुखी नाल की रिश्ते ने। इस दौरान मनजीत सिंह जीके ने उस चिट्ठी का जिक्र किया जिसन डेरा मुखी के मुआफ़ीनामे के रूप में लैके परमजीत सिंह सरना श्री अकाल तख्त साहब गए सन। उन्होंने सरना से इस तो जवाब की मांग की है। डेरा सच्चा सौदा का 2007 का ये माफ़ीनामा है, ये प्रेस नोट है जिसनों सरदार परमजीत सिंह सरना खुद उसने उस वक्त के अकाल तख्त के जथेदार वेदांती साहब को लैके जाते ने जी माफ़ कर दो और इनू माफ़ कर दिता जाए। असी अकाल तख्त साहब न खड़े हाँ, साडा स्टैंड बड़ा क्लीयर है। हुण जवाब सरना साहब नू देना चाहिए कि डेरे नाल उन्हां दे की रिलेशन ने, वह बाबे नू कित्थे कित्थे मिले, किन्नियां मीटिंगां होईयां। ये चीज़ प्रैक्टिकल शेप देण तो पहले सरना साहब दा बाबा राम रहीम नाल की। अगे वधदे हां, पठानकोट दे शाबिश दी कुवैत च फसे होण दी खबर जिवें ही जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ते चली तां इह खबर इक मुहिम दा रूप धार गई है। पिंड वासी भी इस मुहिम के तहत देश उसके देश परतौन तक इस जारी रखने की गल कह रहे हैं ते हुण विदेश मंत्रालय तक भी यह खबर पहुंच गई है ते विदेश मंत्रालय ने भी इन्हां वापस भारत लियाउण दा भरोसा दिता है। चार साल पहला कुवैत विच फसे शाविश की घर वापसी की मुहिम ने जोर फड़ लिया है। पठानकोट के पिंड बुंगल के लोगों ने शाविश की वापसी की खातर सोशल मीडिया का सहारा लिया है। पिंड दे लोकां दी मुहिम नूं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल दा भरपूर साथ मिल रहा है। इस कोशिश विच पठानकोट अते सुजानपुर दे लोकां ने भी साथ दित्ता, जिस तों बाद विदेश मंत्रालय भी हरकत विच आ गया है। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल दी खबर दिखाण तों बाद ट्विटर ते लोकां ने शाबिश दे पक्ष विच वड्डी संख्या विच ट्वीट कीते। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने शाबिश समेत कुवैत विच फसे भारतीयां दी वापसी सुनिश्चित करन दे प्रयास दी जानकारी ट्विटर दे जरिए दित्ती। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਘਰ ਆਏ। 3000 ਮਤਲਬ 3000 ਕੇ ਲਗਭਗ ਟਵੀਟ ਸ਼ਾਬਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹਮਾਰੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਹਮੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਵੋ ਐਫਰਟ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹਮਨੇ ਚਲਾ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਾਰਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੇਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਸਕੇ ਪਾਸ ਖਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਮੇ ਉਨਕੀ ਜਲਦੀ ਸੇ ਜਲਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਨਕੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੀ ਟਵੀਟ ਉਨਕਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਭੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕੋ ਅਭੀ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਭਾਈ ਜੋ ਹੈ ਜਲਦੀ ਸੇ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 'ਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਸ਼ਾਬਿਸ਼ ਚੰਗੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਵੈਤ ਪੁੱਜਾ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਅਜੇ ਮਹਾਜਨ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ।